हत्यारों ने गोली मारकर हत्या कर दी और घटना को अंजाम देकर हत्यारे रात्रि का फायदा देखकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही शहर में भारी फोर्स तैनात कर दी गई। ताजा मामला जनपद बदायूं सदर कोतवाली क्षेत्र के 6 सड़का बाजार स्थित खंडसारी मोहल्ला में रहने वाले कासिम की अज्ञात हत्यारों ने गोली मारकर हत्या कर दी और मौका पाकर हत्यारे फरार हो गए। हत्यारों ने सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में घटना को अंजाम देकर फरार होना प्रशासन को एक बड़ी चुनौती दी। सूचना पर पहुंची थाना कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। साथ ही प्रशासन ने माहौल को देखते हुए शहर में भारी फोर्स तैनात कर दी। इसके पहले मृतक कासिम के हिस्ट्री सीटर बेटे नईम उर्फ राजा और फहीम उर्फ कल्लू की भी गोली मारकर हत्या की जा चुकी है। एएसपी अशोक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि अभी पीड़ित पक्ष की तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाती है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर साथ जुटाने में लगी हुई है। कत्ल की सूचना आ रही है, पूरा क्या मामला है? खंडसारी मोहल्ले में जो कोतवाली क्षेत्र में आता है उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद कासिम है, सिर में गोली मार दी गई है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। उनके दो बेटों की पहले हत्या हो चुकी है और चीज़ें इसमें संज्ञान में है। अभी ऐसे कोई लिखित तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, जैसे तहरीर प्राप्त होगी उसको उसके बाद वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सूचनाओं के संकलन के काम हमारी टीम कर रही है। झांसी मीडिया क्लब के कार्यकारिणी सदस्य पद हेतु विपिन सिंह के सामने वाले बॉक्स में कार्यकारिणी सदस्य पद हेतु सही का निशान क्रमांक 19 पर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए। आपका अपना छोटा भाई विपिन सिंह झांसी, झांसी मीडिया क्लब के कार्यकारिणी सदस्य पद हेतु। झांसी मीडिया क्लब के कार्यकारिणी सदस्य पद हेतु अरुण गुप्ता के सामने वाले बॉक्स में कार्यकारिणी सदस्य पद हेतु सही का निशान क्रमांक 5 पर लगाकर भारी मतों से विजय बनाए। आपका अपना अरुण गुप्ता झांसी, झांसी मीडिया क्लब के कार्यकारिणी सदस्य पद हेतु।